हेलो गाइस, सम्राट शक वाईटी बेबी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की दाल। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी दाल ली है, इसको मैं साफ कर ले रही हूँ बीन के। तो दाल को मैंने बीन के साफ कर लिया है, अब इसको दो तीन बार धो ले रही हूँ। तो दाल को साफ पानी से धो ले रही हूँ। तो दाल को मैंने साफ पानी से धो लिया है, अब मैं जा रही हूँ इसमें कुकर में डालने। तो दाल को मैंने कुकर में डाल दिया, अब इसमें एक जग डाल दे रही हूँ पानी। आधी चम्मच डाल दे रही हूँ हल्दी, आधी चम्मच डाल दे रही हूँ धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ नमक। कुकर का ढक्कन कर दे रही हूँ बंद, गैस को कर रही हूँ ऑन। कुकर को रख दे रही हूँ गैस पर। तो इधर तब तक दाल पक रही है, तब तक मैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इनको साफ पानी से धो के बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे दाल पक चुकी है और इधर मैंने तड़के की सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है। तो गैस पर रख दिया है मैंने भगोना और इसमें डालने जा रही हूँ ऑयल। ऑयल हो गया है गरम, मैं डाल दे रही हूँ हींग, जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। प्याज, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये अच्छे से भुन गई है। अब मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है, अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं दाल। तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दे रही हूँ, यानी कि पकने दे रही हूँ। तो दाल यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरी धनिया पत्ती। तो देखिए गाइस, यहाँ पे उड़द की दाल फ्राई हो चुकी है। कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।